एवरीवन, पूर्वी क्रिएटिव फूड लैब में आप सबका स्वागत है। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। दोस्तों, आज फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो जिसका नाम है पिज्जा डीला, जो आप उसे स्टार्टर में बना सकते हो, आप उसे हाई टी में भी बना के खा सकते हो। अगर आपको इसे डिनर में बनाना हो तो आप डिनर में भी बना के खा सकते हो। दोस्तों, ये इतना डिलीशियस है, अभी बोलते वक्त भी मुझे मुंह में पानी आ रहा है, इतना डिलीशियस है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना। दोस्तों, चलिए ये रेसिपी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं ये है कैप्सिकम और अनियन चॉप किया हुआ, ये है पनीर छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए हैं, ये है ब्लैक ऑलिव्स, ये है रेड हेलपिनो, ये चिली फ्लेक्स है, ये ओरेगनो है, ये जो है चीज स्प्रेड है, ये हमारी पिज्ज़ा की ग्रेवी जो बनाते हैं वो है, और ये मैंने यहाँ पे मोज़रेला और जो हमारी प्रोसेस चीज़ आती है उसको मिक्स किया हुआ है। और ये जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका, ये है जो बाहर हमें टॉर्टिलाज मिलता है वो है, मैंने ये घर पे बनाया है। एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लावर, और इसको मिक्स करके हम जैसे ही हम रोटी बनाते हैं वैसे ही मैंने इसको बनाया है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और एक टीस्पून जितना इसमें ऑयल डाला है, और इसे रोटी की तरह बेल लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हम पिज्ज़ा में जो टॉपिंग करते हैं वैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, और ये सब हम कच्चा ही मिक्स करेंगे क्योंकि पिज्ज़ा में हम सब कच्चे ही सब्जियां डालते हैं। जो हम ये सारी सब्जियां हैं वो कच्ची खा सकते हैं, ये इसलिए इसे, ये देखिए कैप्सिकम और ये अनियन, आप पिज्ज़ा में जो भी टॉपिंग करते हो आप उसमें ये डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो। ये है पनीर के क्यूब्स जो मैंने काटे हैं छोटे छोटे, वो मैं ले रही हूँ। इसके अंदर आप कॉर्न डालना चाहो तो कॉर्न भी डाल सकते हो। ये है ब्लैक ऑलिव्स, इसे मैं ले रही हूँ इसके अंदर। ये है रेड हेलपिनो, आपके पास अगर रेड हेलपिनो नहीं है तो आप ग्रीन हेलपिनो डालिए, अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है तो मत डालिए। आप जो टॉपिंग पिज्ज़ा के ऊपर खाते हो वो आप इसके इसमें मिक्स कर लीजिए। ये है चिली फ्लेक्स, ये लगभग मैं हाफ टी स्पून जितना डाल रही हूँ। ये है ओरेगनो, इसे मैं ले रही हूँ इसमें, और ये मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा चीज स्प्रेड है जो मैं एक टेबलस्पून जितना इसमें डाल रही हूँ, और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया है। ये चीज स्प्रेड आपको अगर नहीं डालना है तो आप मत डालिए, इसके अंदर आप प्रोसेस चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हो। अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टॉर्टिलाज हमने ले लिया है, रोटी बोलो टॉर्टिलाज बोलो, आपको जो कह सकते हो आपको कहना हो। ये जो हमने बनाया है ये हम इसके ऊपर हमें बटर या कुछ भी स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अब हम ये स्टफिंग जो हमने बनाई है, जो हमारी पिज्ज़ा की टॉपिंग्स है, वो हम इसमें ले लेते हैं। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं। और इसे हम यहाँ रख देते हैं। मैं एक दूसरा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर
स्टफिंग ले ली है हमने, इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इसे यहाँ पे रख देते हैं। इसके अंदर हमें कोई बटर नहीं यूज़ करना है, इसे हम अब ढक देते हैं और इसे एकदम स्लो, हमारी एकदम स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। एक बाजू अगर ये एक बाजू हो जाए फिर इसे हम पलट कर दूसरी बाजू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये अभी 2 मिनट के बाद इसे देखेंगे। ये देखिए नीचे थोड़ा हो गया है, इसको हम पलट लेते हैं और इसे 1-2 मिनट के लिए वापस ढक के रख देते हैं। देखिए दोस्तों, हम पलट के देख लेते हैं, ये नीचे से हो गया है, ये देखिए हो गया है, इसे वापस पलट देते हैं। इसके ऊपर अब हम ये जो हमारी पिज्ज़ा की ग्रेवी है उसे लगा लेते हैं। और इसके ऊपर चीज है उसे और वापस इसे हम ढक देते हैं। 1-2 मिनट के लिए हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखिए ये हमारी चीज़ कैसे हो गई है। इसके ऊपर अगर आप फिर से ये चिली फ्लेक्स और ये जो है ओरेगानो उसे हम स्प्रिंकल कर लेते हैं और इसे अब हम, ये देखिए, इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे लगते हैं। जैसे दिखने में है अच्छे, वैसे ही खाने में उतने ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर घर पर बनाइएगा और जब भी आपका बच्चा या आपका घर के कोई भी सदस्य बोले मुझे पिज्ज़ा खाना है, आप इसे ऐसे खिलाइएगा तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये रोज़ रोज़ ये पिज्ज़ा खाता है। ये बहुत टेस्टी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर घर पर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना और ये रेसिपी मेरी ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।